दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर। बैजनाथ पपरोला बाजारों की सड़कों पर भटक रहे बेसहारा गोवंश को गौशालाओं में ले जाने के लिए स्वाभिमान पार्टी द्वारा एसडीएम बैजनाथ को ज्ञापन सौंपा गया। स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव राज सूद की अगुवाई में मिले प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि क्षेत्र की सड़कों पर 150 के लगभग गोवंश बेसहारा घूम रहा है, उसे शीघ्र ही यहां 3 गौशालाओं में रखा जाए। ज्ञापन में कहा गया कि बुरलीकोठी गौशाला में पर्याप्त गोचर भूमि है, इसमें 100 से अधिक गोवंश को रखा जा सकता है। साथ ही पशुपालन विभाग तथा कृषि विभाग क्षेत्र की पंचायतों के सहयोग से यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में कोई भी अपनी गाय या बैल को सड़कों पर ना छोड़े। पत्रकार बंधु, आपका हार्दिक आभार। आज हम गौ रक्षा के लिए अपने इस क्षेत्र में जो बेसहारा गाय और बैल घूम रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 150 है बीनाथ पोखरा के अंदर, तो आज हमने एक ज्ञापन मांग पत्र जो है वो एसडीएम महोदय को दिया है। हमने उनसे निवेदन किया है कि यहाँ ये 3 जो गौशालाएँ चल रही हैं, एक चल रही है धारबगी में, एक चल रही है पपोला बुलीकोठी में और एक बैजनाथपुरा के बीच शिव धाम गौशाला चल रही है। तो इन 3 में से जो पपोला की गौशाला है पुनखंड के पास, उस गौशाला में पर्याप्त जगह है, लगभग 75 गाल जगह उसमें है। तो हमने ऐसे मुझे निवेदन किया कि वहाँ एक बड़ा शेड बना करके वहाँ 100 गायों को रखा जा सकता है बड़ी आसानी से, और बाकी जो रहेगी 50 गाय, उन 50 गायों को बैजनाथ की धारबगी गौशाला में और शिवधाम गौशाला में उनसे निवेदन करके और वहाँ उनकी व्यवस्था करके उनको रखा जाए, ताकि ये जो अपने मतलब बैजनाथपुरा का गायों से भरा हुआ है शहर, तो उसको खाली कराया जा सके। और इसके साथ ही हमने उनसे ये भी आग्रह किया है कि आगे से लोग गाय को ना छोड़ें, इसके लिए पशुपालन विभाग और कृषि विभाग स्थानीय पंचायतों के सहयोग से ये सुनिश्चित करें कि कोई भी कृषक जो है, कोई भी व्यक्ति जो है परिवार, गाय को या बैल को बेसहारा ना छोड़े, ताकि गाय की रक्षा हो सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बैजनाथ से चमन डोहरू की रिपोर्ट।